हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी आज की नए वीडियो में। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी दिन के बाद मैं इस तरीके से हाथ में कैमरा लेके और मैं व्लॉग बना रही हूँ, बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ बहुत टाइम के बाद। जी हाँ, तो जैसा कि जल्दी से आप लोग को अपडेट दे देती हूँ, तो जैसा कि आपने देखा ही होगा पुरानी वीडियोज़ में, हम लोग गए हुए थे अपने घर होली में और उसके बाद यहाँ से सब कुछ सारा फंक्शन वगैरह अटेंड करते हुए हम यहाँ बैंगलोर 6 को आए हैं और बस बैंगलोर आ चुके हैं। और साथ ही साथ मौसी हैं, गांव में मौसी रहती थी, तो मौसी आ गई हैं यहाँ पे गांव से, उन्हें हमने बुला लिया क्योंकि पहले तो यहाँ पे मम्मी थी, अब मम्मी को हम लोग लेकर चले गए थे दरभंगा, तो मम्मी वहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हम ही दो लोग थे, तो अब एक मौसी भी हैं, तो बाबू के लिए थोड़ा सा हमारे लिए ईजी है। और साथ ही साथ ऑफिस भी चल रहा है, मेरा भी स्टार्ट हो गया है और इनका भी है, तो वैसे तो वीक में दो दिन ऑफिस जाना होता है, बाकी दिन वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन फिर भी तो मौसी हैं, आ गई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हमें, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा है। और बस यही सब मुझे अपडेट्स आप लोग को देना था। बाकी अभी हमने थोड़े दिन पहले यथार्थ का अन्नप्राशन किया है, उसका व्लॉग बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें डाल दूँ। और फिलहाल अभी करंट आप लोगों को दिखा देती हूँ, मौसी और अथर्व जो है वो उस वाले रूम में आराम से बैठे हुए हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मौसी को, देखिए मौसी आ गई थी गांव से, अथर्व को देखिए, अथर्व अस्तु, दोनों लोग आराम कर रहे हैं, लोग सो रहे हैं, उठ गया, उठ गया, उठ गया, बोलो ना, खा कर एकदम आराम से अभी सुत रहता है, सुतने दो घंटा। तो यहाँ पे पूजा वाले रूम में जो है अथर्व और मौसी दोनों का सेटअप लगा हुआ है, तो ये लोग जो है अभी वो कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अन्नप्राशन का व्लॉग जो हमने 19 को किया था और 20 को अथर्व का 6 बर्थडे हुआ था, तो अन्नप्राशन में हमने क्या किया, कैसे किया, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, सब कुछ आगे कंटिन्यू करती हूँ। और इतने दिन से जो वीडियोस नहीं जा रहे थे उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आई एम सो सॉरी। एंड प्लीज़ आप लोग अनसब्सक्राइब मत करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, जो देखते हैं वो भी सब्सक्राइब करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो रास्ते से लौटते वक्त हम समोसे और जलेबी लेके आ गए थे। ना
तो मौसी समोसा नहीं खा रही थी, उनको जो आलू होते समोसे का वो कड़ू लगता है, तो मौसी जलेबी खा रही थी, उनको वही ज्यादा पसंद आ रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे हो चुका है और हम निकल रहे हैं अथर्व के अन्नप्राशन के लिए। यही कपड़े हम कल ख़रीदे थे अथर्व के लिए, वो यही नए कपड़े पहन के जा रहे हैं। तो वैसे तो हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा था कि लोग अन्नप्राशन करते हैं घर में बहुत तरह तरह का पकवान बना के, पहले हमने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन फिर अचानक से इन्होंने कहा कि नहीं बेहतर है कि अगर हम देवस्थल में जाके करें। तो बैंगलोर से कुछ दूरी पे ही एक बहुत ही अच्छा देवस्थल था, हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे पहले से इन्होंने कह दिया था और वो जगह अन्नप्राशन के लिए ही है। तो उन्होंने पंडित जी वहाँ पे सब कुछ तैयारी भी करके रखे हुए थे। ये देखिए हम आ चुके हैं अन्नप्राशन के लिए, हम लोग आ चुके हैं मंदिर। तो पंडित जी कह रहे थे कि सबसे पहले वो मतलब उनके नियमानुसार केले के पत्ते पे पहले हाथ से खिलाएंगे और उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से जो भी चांदी का कटोरी चम्मच है उससे आप खिला दीजिए। तो हम लोगों ने वैसा ही किया था। तो सबसे पहले पंडित जी ने कहा था आपको टीका करने को चंदन से, तो वो हमने किया। तो यहाँ पे वही पंडित जी कह रहे थे कि पहले उंगली से आप 3 बार इसको बच्चे को टेस्ट करवा दीजिए, उसके बाद आप अपना हिसाब से करिएगा। बस बस हो गया। नमक भी देना था क्या? नमक भी चटा दूं क्या? हो गया ना? क्लोज हो गया। ऐसे में अंदर जाए ना, फिर अंदर नहीं जाए। Thank you.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अथर्व का अनप्राशन हो गया और हम बाहर निकल आए। यहाँ पे मंदिर में जब भी जाते हैं तो जो मेल होते हैं उनको बोलते हैं कपड़े निकालने को, तो वही अथर्व ने वहाँ पे दर्शन करने से पहले, मतलब अनप्राशन के बाद हम एक मंदिर गए थे, वहाँ पे दर्शन करने से पहले कपड़े अथर्व के निकाल दिए थे, तो वहीं मैं इसको पहना रही थी। अब बाहर निकल चुके हैं और ये बाहर का नज़ारा देखिए, इतना ग्रीनरी था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा स्थल था। तो यहाँ पे बाबू का अन्नप्राशन हो चुका है, ये देखिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जितना भी आप डेकोरेशन देख रहे हैं अथर्व के बर्थडे के लिए है, और ये सब कुछ अथर्व के पापा ने, शुभम जी ने किया था। ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये केक, बलून, ये पूरा पूरा सेटअप, ये सब कुछ उन्होंने ही खुद से किया था। और क्योंकि इसका ये 6th बर्थडे था तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया। हैप्पी बर्थडे अथर्व, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये मिसो को बजा को तुम देखने चलो, बजाते नहीं तो को ये दे बाबू। हैप्पी बर्थडे अथर्व, अदर हैप्पी बर्थडे अथर्व, हैप्पी बर्थडे अथर्व। रेडी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबू छोटकू, बेतू, बेतुलाल, बेतुलाल, बेतुलाल। तो ये कैक्टस जो है वो सबकी नकल करता है फ्रेंड्स, तो काफी ज्यादा एंटरटेन हुए हम लोग, बहुत मजा आया। बढ़िया लग रही है। हैप्पी बर्थडे अथर्व, बगले की और हेतर। तो बस फ्रेंड्स ये था
हमारा छोटा सा वीडियो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ ये व्लॉग ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्द आप सभी से मिल